दोस्तों, क्या आपने कभी पक्षी का ऐसा घोंसला देखा है जो बिल्कुल किसी झोपड़े की तरह होता है? और क्या आपने कभी इस पक्षी का घोंसला देखा है जो अपना घोंसला जमीन के अंदर बनाता है? और क्या आपने कभी इस पक्षी का घोंसला देखा है जो 2000 सालों से भी पुराना है? क्यों, सुनकर चौंक गए ना? इस वीडियो में हम आपको पक्षियों के कुछ ऐसे घोंसले दिखाने वाले हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इन घोंसलों पर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने इन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 12, हामर कॉप। दोस्तों, ये पक्षी अफ्रीका में पाया जाता है और इसका घोंसला बहुत बड़ा होता है। इस पक्षी को अपना घोंसला बनाने के लिए 8 से 10 हफ्तों का समय लगता है, जिसके लिए ये हजारों सूखी टहनियों का इस्तेमाल करती है। और जब घोंसला पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए ये मिट्टी का भी इस्तेमाल करती है, जो एक अच्छा तरीका है। और इसके लिए आप इसे इंजीनियर बर्ड भी कह सकते हैं। बात करें इसके घोंसले की तो ये पक्षी अपने घोंसलों में लंबे लंबे बिल बनाते हैं जो बरसात के समय इन्हें और अंदर सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। ये पक्षी आमतौर पर गीली जमीन और नदियों के किनारे रहना पसंद करते हैं, जहां उन्हें आसानी से शिकार मिल जाता है। और जब इन पक्षियों का ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है तो नर और मादा दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाते हैं और दोनों ही अपने अंडों की रखवाली करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस पक्षी के लिए सिर्फ एक घोंसला काफी नहीं होता, क्योंकि ये साल में 4 बार घोंसला बनाते हैं, जिसका मतलब है कि ये पूरे साल भर यही काम करते हैं। नंबर 11, बस्टेड बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो ये अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ पौधों के पत्तों, प्लास्टिक और मकड़ी के जालों का इस्तेमाल करते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला ज्यादातर हरे भरे पेड़ पौधों पर ही बनाते हैं। इनका घोंसला देखने में लंबा होता है और ये पक्षी इस तरह से अपना घोंसला तैयार करते हैं जिसकी वजह से ये पेड़ों पर आसानी से नहीं दिखते। और इनका सबसे बड़ा कारण होता है इनमें इस्तेमाल होने वाली पत्तियां, जो इन्हें पेड़ पौधों से मिलाकर रखती है। नंबर 10, मोंटेजुमा ओरोपेंडोला। दोस्तों, ये पक्षी मध्य अमेरिका में पाया जाता है, जो कि एक कैरेबियन बर्ड है। ये पक्षी अपना घोंसला एक बड़े से पेड़ में बनाते हैं जो बिल्कुल किसी लटकते हुए थैले की तरह होता है, जिसकी लंबाई 3 से 6 फीट होती है। आपको बता दूं कि ये पक्षी एक पेड़ पर लगभग 50 से 60 घोंसले बनाते हैं, जिसमें लगभग 150 से भी ज्यादा पक्षी रहते हैं। इस घोंसले को बनाने के लिए ये पक्षी सूखी घास और पतली लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि तेज हवा और तूफान आने पर भी इनका घोंसला पेड़ पर टिका रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी घोंसलों में ज्यादातर मादा पक्षी रहते हैं और इन मादाओं पर सिर्फ एक नर पक्षी का ही राज होता है, जो इन सभी घोंसलों का मुखिया होता है। और ये मुखिया इन सभी मादाओं के साथ मिलन कर अपना राज कायम रखता है। नंबर 9, फ्लेमिंगोस। दोस्तों, ये पक्षी जिसे हम हंस के नाम से जानते हैं, ये भी अपना घोंसला खास तरह से बनाते हैं। ये अपने पैरों में कीचड़ और अन्य चीजों को लगाकर अपना घोंसला बनाते हैं। आपको बता दूं कि इनका घोंसला 12 से 30 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है, जो बिल्कुल एक टीले की तरह होता है। अब जब पक्षी ही इतना ऊंचा हो तो उसका घोंसला भी ऊंचा ही होगा। वैसे इनका घोंसला अंदर से देखने में बिल्कुल किसी बिल और कुएं की तरह लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने घोंसलों का निर्माण अंडे देने के 6 हफ्ते पहले ही शुरू कर देते हैं, ताकि अपने बच्चों से पहले खुद ही घोंसलों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये ऐसा इसीलिए करते हैं कि ये अपने बच्चों को ऐसे घोंसलों में पालना चाहते हैं जो पहले से ही इस्तेमाल हो चुका हो, क्योंकि पहले से इस्तेमाल हुआ घोंसला बच्चों के लिए आरामदायक होता है। नंबर 8, मेलीफॉल। दोस्तों, ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक बड़े आकार का पक्षी है जो अपना घोंसला जमीन में गड्ढा खोदकर बनाता है। कभी कभी ये घोंसला मादा और नर दोनों मिलकर खोदते हैं। इसके बाद इस खुदे हुए गड्ढे में मादा अंडे देती है और अंडे देने के बाद ये पक्षी उसे गड्ढे में ही दबा देते हैं, जिसके लिए ये सूखी पत्ती और लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन इस गड्ढे को ढकने के एक दो दिन बाद ही ये पक्षी दोबारा गड्ढा खोदकर अपने अंडों के तापमान की जांच करती है ताकि अंडा सुरक्षित रहे, और कभी कभी इनकी ये जांच 10 से 15 घंटों तक लगातार चलती ही रहती है। नंबर 7, बावर बर्ड। दोस्तों, अब तक आपने जितने भी पक्षियों के घोंसले देखे हैं उनमें से सबसे अनोखा घोंसला इस पक्षी का होता है, क्योंकि ये अपना घोंसला किसी पेड़ पर नहीं बल्कि जमीन पर बनाते हैं, जो देखने में बिल्कुल किसी झोपड़े की तरह होता है। ये पक्षी अपना घोंसला सूखे तिनकों से बनाता है, जिसके बाद ये अपने घोंसले को उन तमाम चीजों से सजा देता है जो देखने में काफी सुंदर होते हैं, जैसे रंग बिरंगे फूल, फल, पत्तियां और भी कई सारे। लेकिन आपको बता दूं कि ये पक्षी इतनी सजावट मादा पक्षी को खुश करने के लिए करता है, क्योंकि अगर मादा पक्षी को ये घोंसला पसंद आया तभी वो उसके साथ रहने का फैसला करती है, और अगर मादा पक्षी को ये घोंसला पसंद नहीं आता तो वो नर पक्षी को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद नर पक्षी भी इस घोंसले को छोड़ देता है, जिसके बाद इस घोंसले पर सांप या कोई दूसरा जीव कब्जा कर लेता है। नंबर 6, पफिन बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी अटलांटिक द्वीप में पाए जाते हैं, जहां ये अपने झुंड के साथ रहते हैं। इस झुंड में लगभग 40,000 से भी ज्यादा पक्षी रहते हैं, और शायद ये अकेले ऐसे पक्षी हैं जो इतनी तादाद में एक साथ रहते हैं। ये पक्षी देखने में रंगीन और शांत स्वभाव वाले होते हैं। जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है ये अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। बात करें इनके घोंसलों की तो ये पक्षी अपना घोंसला जमीन में गड्ढा खोदकर बनाते हैं, जिसमें इन्हें 15 से 20 दिनों का समय लगता है। गड्ढा तैयार होने के बाद ये उसमें घास, पत्ते और काई जमा करते हैं ताकि अपने घोंसलों में आराम से रह सके। और जैसे ही इनका घोंसला तैयार होता है ये अपने पार्टनर के साथ मिलन कर अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। वैसे आपको इस पक्षी का घोंसला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, पैटागोनियन सी बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी कैलिफोर्निया के आइलैंड में पाए जाते हैं। इन्हें सी बर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय समुद्र के आसपास बिताते हैं। वैसे ये पक्षी आपको मेक्सिको के जंगल में भी मिल जाएंगे, लेकिन जब इनके ब्रीडिंग का समय होता है तो ये एक साथ आइलैंड में इकट्ठा होते हैं, और तब इनकी संख्या लाखों में होती है। ये इतनी तादाद में एक साथ इसलिए होते हैं कि ब्रीडिंग के समय कोई दूसरा शिकारी पक्षी इन पर हमला ना कर दे, और अगर ऐसा होता भी है तो ये पक्षी उस शिकारी पक्षी पर एक साथ हमला कर देते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला समुद्र के पास में ही बनाते हैं, और जब तक इनके ब्रीडिंग की प्रक्रिया खत्म नहीं होती ये वहीं लगभग 3 महीनों तक रहते हैं। और ये सारी चीजें खत्म होने के बाद ये सभी पक्षी अपनी अपनी राह पर निकल जाते हैं। नंबर 4, क्लिफ स्वालो। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी घोंसले देखे हैं वो या तो पेड़ों पर होते हैं या फिर जमीन पर, लेकिन अब मैं आपको जिस पक्षी का घोंसला दिखाने वाला हूँ वो अपना घोंसला ना तो पेड़ पर बनाता है और ना ही जमीन पर, बल्कि ये अपना घोंसला दीवारों पर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे पक्षी हैं जो अपना घोंसला दीवारों पर बनाते हैं जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। जब इस पक्षी का ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है तभी अपना घोंसला बनाना शुरू करता है, जिसे बनाने के लिए लगभग 1 से 2 हफ्तों का समय लगता है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए हजारों बार उड़कर जाते हैं, और मिट्टियों के साथ कुछ लकड़ी के टुकड़ों को मिलाकर अपना घोंसला बनाते हैं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद वो समय आ ही जाता है जब इनका घोंसला बनकर तैयार होता है। वैसे आपको दीवार पर बना पक्षी का ये घोंसला कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, लिटिल ग्रेब। दोस्तों, ये एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पानी में बनाता है। अब तक हमने जितने भी घोंसले देखे हैं उनमें ये सबसे खास है, क्योंकि ये अपना घोंसला पानी के बीचों बीच बनाती है। अपना घोंसला बनाने में ये टहनियों और पानी में मौजूद वनस्पतियों का ही इस्तेमाल करती है ताकि इसका घोंसला पानी में अच्छी तरह से तैर सके। अपने घोंसले को और आरामदायक बनाने के लिए ये उसमें हरी घास और काई का भी इस्तेमाल करती है, और इन घोंसलों में ये 4 से 7 अंडे देती है, और हैचिंग के वक्त ये अपने घोंसले को झाड़ियों में छुपा देती है ताकि शिकारियों की नजर इसके अंडों पर ना पड़े। नंबर 2, पर्पल मूर हैन। दोस्तों, ये पक्षी मुर्गी की प्रजाति है, और मुर्गी की ये प्रजाति ज्यादातर पानी में रहना पसंद करती है। अपने बैगनी रंग और लाल चोंच के कारण ये दूर से ही पहचान ली जाती है।
इस मुर्गी के पैर बहुत ही लंबे और असामान्य होते हैं। बात करें इनके घोंसलों की तो इनका घोंसला तालाब और दलदली झीलों में होता है। ये अपना घोंसला हरी घास, पौधे, टहनियों और अन्य वनस्पतियों को बुनकर बनाती है। जब इनका घोंसला बनकर तैयार होता है तो वो बिल्कुल किसी टोकरी की तरह होता है जिसमें ये तैरती हुई दिखाई देती है। ये मुर्गी मार्च से मई के बीच अंडे देती है और ये एक बार में 6 से 8 अंडे देती है, जिसके बाद ये अंडों को हैच करती है और जैसे ही बच्चे 3 हफ्तों के हो जाते हैं वो अपनी आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं। नंबर 1, गैर फेलकॉन। दोस्तों ये पक्षी चील प्रजाति का हिस्सा है और ये अपना घोंसला ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनाते हैं, लेकिन इनका घोंसला कोई मामूली घोंसला नहीं होता। वो इसलिए कि इन पक्षियों के घोंसले सालों पुराने होते हैं, क्योंकि ये पक्षी सालों साल एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। सन 2009 में एक रिसर्च टीम के अनुसार इन पक्षियों के कुछ ऐसे घोंसले पहाड़ों पर पाए गए थे जो हजारों साल पुराने थे और उनमें से एक घोंसला पूरे 2500 साल पुराना था। तो इसका मतलब यही है कि ये पक्षी दूसरे पक्षियों की तरह नया घोंसला नहीं बनाते, बल्कि ये एक ही घोंसले को पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करके अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। वैसे इन पक्षियों के घोंसले मोटी लकड़ियों और कुछ नरम चीज़ों से बने होते हैं जो शायद इनके ही पुराने पूर्वजों के पंखों और हड्डियों का हिस्सा होता है। वैसे आपको ये घोंसला कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपको इन पक्षियों में से किस पक्षी का घोंसला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।